अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आशीष क्रिएटिव लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं जो एडिशन के लिए कम्फर्टेबल हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट रिवाइज़ कर देती हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने बताना है कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, मतलब हमें इनका ऑर्डर चेक करना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। मैट्रिक्स ए को अगर देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 2 बाय 2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय 2। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, तब हम कहेंगे कि इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं और ये कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर तो 2 बाय 2 नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकता, सी का भी नहीं है, डी का भी नहीं है। अगर मैट्रिक्स ई को देखें, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी हमारे पास बनता है 2 बाय 2। और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में हम राइट कर सकते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं, फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन आएगा इन मैट्रिसेस का वो ये होगा कि ए एंड ई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, मतलब हम उनको ऐड कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बनता है, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनता है 2 बाय 1। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बनता है 2 बाय 1, सी का भी नहीं बनता। अगर हम डी को देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 ही कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और डी जो हैं ये कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। तो सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो बनता है बी एंड डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम है। अगर हम सी को देखें तो उसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और अगर हम एफ़ को देखें तो उसमें भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सी एंड एफ। हमें गिवन मैट्रिसेस थे ए टू एफ और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया और हमने ये बताया कि कौन कौन से मैट्रिसेस थे जिनको हम ऐड कर सकते हैं और कंफर्टेबल फॉर एडिशन की जो डिटेल है वो प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।